एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की चाय अड्डा पर हम सर से जानते हैं कि उन्होंने ये शॉप कब से स्टार्ट की और उनकी क्या स्पेशल। सर अंकित वर्मा, आपने ये शॉप कब से स्टार्ट? हमको 3 ईयर होने वाले हैं। आपकी शॉप पर क्या क्या? जो हमारी स्पेशलिटी है वो कुल्हड़ चाय है, उसके साथ उसने सारी कुछ चीज़ें मैगी सैंडविच पास्ता कोल्ड कॉफ़ी जूस है शेक्स हैं कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। चाय में हम लोग वैरायटी देते हैं कि इलायची है जिंजर है तुलसी है मसाला है रोज़ है अलग अलग चीज़ों में मैगी में भी हमारे पास ऑप्शन हैं पास्ता के ऑप्शन हैं कोल्ड कॉफ़ी में भी ऑप्शन हैं वो सब चीज़ें अवॉइड मैंने जो हमारे वहाँ की स्पेशलिटी कुल्हड़ तो चाय में हमारा फोकस रहता है कि बेसिकली जो कस्टमर आते हैं वो कुल्हड़ की चाय पर पीना पसंद करते हैं क्योंकि जो कपल्स आते हैं उसमें डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को पसंद करते हैं मैगी है सैंडविच है पास्ता है। हाँ जी मैम हम लोग ओकेजनली जैसे किसी का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी वगैरह होती है तो हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक ब्रांच है यहाँ पर चाय अड्डा ही फर्स्ट ब्रांच है सेकेंड मंथ ब्रांच जो हमारे जंजीर वाला चौराहे पे है बिफोर द मंथ हम लोग थर्ड वन स्टार्ट करने वाले हैं इलायची रुकमणी बजाज के पास तो हमें 3 ब्रांच है। कस्टमर का फीडबैक मैम कस्टमर आपके सामने अवेलेबल है उनसे बात करना ये क्या होता है मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊँ बस चल रहे कस्टमर्स आपके सामने अवेलेबल हैं इससे हमारे वहाँ क्या होता है यंग के साथ ओल्ड जनरेशन भी हमारे आसपास का जो माहौल है ओल्ड भी है तो कई सारी चीज़ें हमारे साथ नई पुरानी दोनों जुड़ी हुई है तो कस्टमर का फीडबैक हमेशा इधर पॉजिटिव है। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी दुकानों पर हम लोग जाते हैं ऊँची दुकान फीके दुकान हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग चीज़ें अच्छी देते हैं जैसा मैंने सुना है इंदौर इज द फूड कैपिटल ऑफ इंडिया है ना तो वही चीज़ है कि हम लोग क्वालिटी को प्रेफर कर रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप चाय अड्डा? हम 2.5 साल से हैं यहाँ पर। कैसी चाय लगती है और बाकी चाय तो मुझे अच्छी लगती है और कूलर की चाय पीना अच्छा ही जो ग्लास में चाय पीते हैं उसमें ये अभी तो हर तरह की बीमारी है और एक मिट्टी की जो बर्तन है चाय पी और पी हाँ। और चाय ऐसी चीज़ है कि चार लड़के मिल करके जो दिल में है सोचनीय बात वो सोच सकते हैं वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरी बात समय पास होता है मनोरंजन होता है। सुबह के टाइम में पेपर लेते हैं चाय पीते हैं चुस्की लेते रहते हैं पेपर पढ़ते हैं एक टाइम पास होता है और चाय नशा चीज़ है कोई नुकसान की नहीं है लेकिन हम जो जब से पी रहे हैं उस समय कीमत थी 25 पैसे उसके बाद 50 पैसे उसके बाद 1 रुपये फिर 1.5 रुपये और मैं 20 साल से भोपाल में आया हूँ तो अब मैं 5 रुपये के पी रहा हूँ 7 रुपये के पिया हूँ यहाँ 10 रुपये की पी रहा हूँ लेकिन उससे अच्छा मेरा जो कूलर की चाय है ना इसकी टेस्ट ही अलग होता है इसमें कोई बीमारी नहीं। किस कंसेप्ट के ऊपर आपने? बाय प्रोफेशन आया मैं इंजीनियर MTech रनिंग कर रहा हूँ मैं भी इंजीनियर जो होते हैं उनका शॉर्टकट होता है कि भैया हमें कोई भी चीज़ करने का शॉर्टकट चाहिए कि यहाँ से पैसा कैसे जल्दी कमाया जा सकता है। इंजीनियरिंग में से जब भी कि भैया एक दिन में अपने को एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है वो कॉन्सेप्ट था हमारे पास तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठ के आया है कि भैया कुछ ऐसा करना है कि कम पैसे में अच्छा सा बिज़नेस स्टार्ट हो जाए उस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने ये वाला प्लान स्टार्ट करा और जो कुल्लड़ वाला कॉन्सेप्ट था मेरे ख्याल से ये मेरे जो पूर्वज हैं जैसे हम लोग रायबरेली से बेसिकली बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था तो उसी को हमने ट्रेंड आगे बढ़ाया और इसको आगे चलाया है। ये कॉन्सेप्ट हमारे यूपी से पूर्वजों से आया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।